हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि रमजान और लॉकडाउन में भारतीय मजालिम बढ़ गए हैं। गुज़श्ता एक माह में 33 बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया। न्यू डोमिसाइल के नाम पर हिंदुओं को वादी में बसाया जा रहा है। पूरी दुनिया को अब जागना होगा और कोरोना की आड़ में भारतीय मजालिम को रोकना होगा। रमज़ान का महीना आ चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त जो है एक लॉकडाउन की सूरत हाल में है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ वो ऑपरेशंस कर रहे हैं कॉम्बैट करने के लिए, और उसी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए जब ग्लोबल अटेंशन कोरोना की तरफ है, हिंदुस्तान इसमें मसरूफ है कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करें, उनके खिलाफ काले कानून पास करें। अभी ये न्यू हाल ही में न्यू डोमिसाइल लॉ पास किया है जिसके थ्रू वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हिंदुओं को सिटीजनशिप देना चाहते हैं कश्मीर की। और उसके अलावा वहां पर जो इस वक्त कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का, सिर्फ अप्रैल का ही महीना आप उठा लें तो 33 शहादतें हुई हैं और 152 से ज्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। LOC का सूरत हाल देख लें, और UN चीफ जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के प्रिजन्स को भी डीपॉपुलेट किया जाए, और उसके टोटल रिवर्स में 360 डिग्री ऑपोजिट जो मोदी गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रिजन्स को फिल कर रहा है कश्मीरियों के साथ। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, और इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कमीशन है और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने भी ये कहा है कि इंडिया को ब्लैकलिस्ट किया जाए।